स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे केंचुए की संरचना और कृषि में महत्व। एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसकी आंतरिक संरचना के अंदर हमने पहले तीन सिस्टम पढ़े थे। सबसे पहले श्वसन तंत्र, उसके बाद परिसंचरण तंत्र, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र। तो ये चौथा सिस्टम उसका पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र। नेक्स्ट चौथा सिस्टम उसका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो केंचुए में पाचन तंत्र जो है विकसित प्रकार का पाया जाता है, और यह है इसके जो है शरीर की पूरी लंबाई के अंदर फैला जाता है। इसके अगले सिरे से मुख से प्रारंभ होकर के अंतिम सिरे तक जो है फैला रहता है, पूरी लंबाई के अंदर उपस्थित होता है, और इसकी पूरी लंबाई के अंदर जो है कई भाग होते हैं, तो उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए, जो इसकी पूरे पाचन तंत्र को हमने आठ भागों के अंदर बांटा है, जो इसकी आहार नाल है उसके आठ भाग हमने बनाए हैं। आठ भाग उसके होते हैं। सबसे पहला भाग होता है मुख, सबसे पहला भाग होता है इसका मुख होता है, और मुख पहले खंड पर उपस्थित होता है, प्रथम खंड पर उपस्थित होता है। प्रथम खंड जिसको कि हम पेरिस्टोमियम कहते हैं, उस पर अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार क्षेत्र के रूप में अदर तल पर मुख उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहां पर अदर तल पर इसमें जो है इसका मुख उपस्थित होता है, फर्स्ट सेगमेंट पर होता है। मुख आगे बढ़ता है बकल कैविटी के अंदर। मुख जो है ये भोजन को अंत ग्रहण करने का मार्ग होता है, तो भोजन को अंत ग्रहण करने के लिए रास्ता प्रदान करता है मुख। उसके बाद में सेकंड इसका जो पार्ट होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो होती है ये मुख से लेकर के थर्ड सेगमेंट तक होती है, तीसरे खंड तक फैली रहती है। बक्कल कैविटी या मुख हुआ, मुख से लेकर के तीसरे सेगमेंट तक, थर्ड सेगमेंट तक फैली रहती है, और इसके अंदर जो है फोल्ड पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं, इसके अंदर वलन पाए जाते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं, और ये अंदर बाहर जो है हो सकती है, और भोजन को चूसक के रूप में ग्रहण करती है। ठीक है, सकिंग टाइप से जो है भोजन इसके अंदर, इसमें हाथ पैर हाथ वगैरह तो होते नहीं है, जिससे कि ये पकड़ करके मुंह के अंदर जो है अपना भोजन डाल देता है। ठीक है, तो ये सकिंग प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन को अंत ग्रहण करते हैं, तो सकिंग के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका जो तीसरा भाग है ग्रसनी, भाग है ग्रसनी। तो ग्रसनी जो होती है ये चौथे खंड के अंदर स्थित होती है, फोर्थ सेगमेंट के अंदर ये स्थित होती है ग्रसनी। ग्रसनी जो होती है इसकी, यहां देखेंगे ये जो चौथा खंड है उसके अंदर ये उपस्थित है ग्रसनी। इसकी ग्रसनी जो है ये सीओजी उत्तर की बनी होती है, और उसके अंदर जो है पेशी तंत्रों का पंचमुआ जो है इसमें जाल बना होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है लार ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स भी उपस्थित होती हैं। ग्रसनी जो होती है ये चौथे खंड, तीसरे चौथे खंड के अंदर होती है, और ये क्षैतिज जो है रूप से विभाजित रहती है, ये पट द्वारा क्षैतिज रूप से विभाजित रहती है। जैसे देखें कि अगर हम इसकी गांठ काटें तो ये इसकी गांठ है, और ये देखिए इस तरह से एक पट के द्वारा जो है ये विभाजित रहती है ग्रसनी। इसमें दो पक्ष बन जाते हैं, एक ऊपर वाला कक्ष बन जाता है और एक नीचे वाला कक्ष बन जाता है। यहां से अगर हम काट काटें तो इसमें दो कक्ष बन जाते हैं, एक ऊपर वाला जो है इसको कहते हैं लार पक्ष, और नीचे वाला जो है इसको कहते हैं समाहन कक्ष, लार चैम्बर और समाहन चैम्बर, दो चैम्बर बन जाते हैं। लार कक्ष जो होता है इसके अंदर लार ग्रंथि होती है, ये पृष्ठ सतह की ओर रहती है और ये अदर सतह की ओर है। लार कक्ष के अंदर जो लार ग्रंथियां उपस्थित होती है जो कि लार का स्त्रवण करती है, इसकी के अंदर लार ग्रंथियां, और सवहन कक्ष जो है ये भोजन के आगे जाने के लिए मार्ग प्रोवाइड करता है, क्योंकि भोजन जो आगे मुखुआ से ग्रसनिका के अंदर जाएगा, तो यहाँ नीचे वाले चैम्बर में से भोजन आगे जाता है और ऊपर वाले कक्ष के अंदर लार ग्रंथि होती है जिनसे लार जो स्त्रावित होता है। ठीक है, ये ग्रसनी है इसकी फोर्थ सेगमेंट के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है,
उसके बाद में आगे ग्रसनी जो है वो ग्रसिका के अंदर खुलती है। अगला इसका पार्ट है ग्रसिका या इसोफेगस। ग्रसिका या इसोफेगस जो है ये पांचवें से लेकर के सातवें या आठवें खंड तक उपस्थित होती है। ग्रसिका जो होती है ये ग्रसिका ये वाली ये भारतीय ग्रसिका है ये पांचवें से लेकर के सातवें या आठवें खंड तक उपस्थित होती है और ये एक नलिकाकार संरचना होती है। ग्रसिका जो ये एक नलिकाकार संरचना होती है, इसमें भी भोजन का किसी प्रकार का जो है पाचन नहीं होता है। ये सिर्फ जो है ग्रसनी को पेशनी से जोड़ने का काम करती है, किसी प्रकार का इसमें पाचन नहीं होता है, ये सिर्फ इन दोनों खंडों को जोड़ने का काम करती है। नलिकाकार संरचना होती है यानी ग्रसिका। उसके बाद अगला उसका पार्ट है पेशनी या विजार्ड, इसको कहा जाता है। जो पेशनी या विजार्ड जो है ये आठवें नौवें खंड के अंदर उपस्थित होती है, आठवें और नौवें खंड के अंदर उपस्थित होती है। पेशनी एक ये गोलाकार संरचना होती है, नोड्यूल टाइप की ये संरचना होती है। ये देखिए ये वाली ये जो है बालक ये पेशनी है, विजार्ड है, पेशनी है जो आठवें और नौवें खंड के अंदर उपस्थित होती है। गोलाकार ये भाग होता है, ठीक है, या अंडाकार कह सकते हैं, गोलाकार कह सकते हैं। इसके अंदर जो है पेशी तंतु बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर मसल पाई जाती हैं और इसके अंदर की साइड में क्यूटिकल भी पाई जाती है। इसमें क्यूटिकल की परत होती है अंदर और पेशियां भी बहुत ज्यादा विकसित होती हैं, ठीक है, वर्तुल पेशियां, क्योंकि जो पेशनी है इसका काम होता है भोजन को पीसने का, ये भोजन को पीसने का काम करती है, इसलिए इसके अंदर जो बहुत ज्यादा पेशियां पाई जाती है, पेशियां बहुत ज्यादा विकसित होती हैं, ठीक है। और क्यूटिकल इसके अंदर पाई जाती है जिससे कि इसकी अंदर वाली जो सतह होती है वो नष्ट ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, उसको उससे बचाने के लिए इसके अंदर क्यूटिकल पाई जाती है, मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। तो ये है पेशी। उसके बाद अगला भाग है इसका स्टमक या अमाशय, स्टमक या अमाशय जो होता है ये नौवें से लेकर के चौदहवें खंड तक उपस्थित होता है, नौवें से लेकर के चौदहवें खंड तक उपस्थित है। ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो है ये वाला भाग इसका है अमाशय होता है, स्टमक कहलाता है, नौवें से लेकर के चौदहवें खंड तक उपस्थित है। एक छोटी संतरी नली के समान संरचना होती है, ठीक है। इसकी जो है जो दीवार होती है उसके अंदर भी कई प्रकार के वलन पाए जाते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं। जैसे अगर हम इसका सेक्शन काटें तो इसमें इस तरह से फोल्ड दिखाई देती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन जाएगा तो इससे ये फैलेगा, उसके फैलने के लिए जो है ये फोल्ड पाए जाते हैं जिससे कि उसको फैलने के अंदर हेल्प मिल सके, सहायता मिल सके, ठीक है। इसके अलावा जो है इस अमाशय की दीवार के अंदर कैल्सिफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं, कैल्सिफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि मिट्टी के अंदर उपस्थित निर्मित अम्ल को उदासीन करती हैं। मिट्टी के अंदर जो ह्यूमिक एसिड होता है उसको उदासीन करने का काम करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कैल्सिफेरस ग्लैंड कहां पर उपस्थित होती है, तो ये अमाशय के अंदर उपस्थित होती है, ठीक है। ये है इसका स्टमक वाला भाग। उसके बाद ये स्टमक आगे बोलता है आंत्र के अंदर, तो अगला भाग है आंत्र। आंत्र जो होती है ये पंद्रहवें खंड से लेकर के अंतिम खंड तक उपस्थित होती है, पंद्रहवें खंड से लेकर के लास्ट खंड तक जो है आंत्र उपस्थित होती है और इसमें जो है टिफ्लोसोल की उपस्थिति के आधार पर इसके तीन भाग बनाए जाते हैं। टिफ्लोसोल की उपस्थिति के बेस पर इसके तीन भाग उपस्थित होते हैं। सबसे पहला भाग, तो पहला भाग इसका है पूर्व आंत्र वलन क्षेत्र। हम आंत्र देखें इसमें सबसे पहला भाग इसका पूर्व आंत्र
वलन क्षेत्र, या इसको कह सकते हैं प्री टिफ्लोसोलर रीजन, पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र या प्री टिफ्लोसोलर रीजन। ये जो क्षेत्र होता है ये 15वें खंड से लेकर के 26वें खंड तक है, 15 से लेकर के 26वें खंड तक होता है ये अमाशय, और ये 15 से लेकर के 26वें खंड तक यहाँ तक होता है। ठीक है, ये 26वां खंड होता है, तो 15 से लेकर 26वें खंड तक का ये भाग होता है। और इस भाग के अंदर जो है छोटे छोटे विलाई प्रेजेंट होते हैं और शंकु उपस्थित होते हैं। भाग के अंदर छोटे छोटे रसांतु उपस्थित होते हैं जो कि भोजन का अवशेषण का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें जो 26वां खंड होता है, क्योंकि 26वां खंड है, इस 26वें खंड में पार्श्वीय स्थिति पर दो शंकु के समान उभार होती है, पार्श्वीय शंकु समान उभार होते हैं इसमें, जिनको आंतर सिक्का कहा जाता है। इनको आंतर सिक्का कहते हैं। ये इसमें आंतर सिक्का होते हैं, एक जोड़ी होती है, पार्श्व स्थिति पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर स्टार्च पाचक एंजाइम जो है वो बने रहते हैं, इनमें स्टार्च पाचक एंजाइम जो स्त्रावित होते हैं जो स्टार्च के पाचन के अंदर सहायता करते हैं, और ये आगे की ओर जो है 22वें या 23वें खंड तक फैले रहते हैं। आगे की ओर 26वें से स्टार्ट होते हैं और आगे 22वें या 23वें खंड तक फैले रहते हैं, और इसमें स्टार्च पाचन एंजाइम जो वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्री टिफ्लोसोलर रीजन या पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र होता है। ओके, उसके बाद में दूसरा इसका भाग आता है आंत्रवलन क्षेत्र। आंत्रवलन क्षेत्र जो है ये 27वें खंड से प्रारंभ होकर के और अंतिम 25 खंडों से को छोड़कर उसके पहले तक उपस्थित होता है, अंतिम 25 खंडों को छोड़कर। है इस तरह से, और ये इसका लास्ट है और ये इसका माउथ है, तो जो लास्ट वाले ये 25 खंड है इनको छोड़ करके यहां से लेकर के और ये 27वें खंड से प्रारंभ होता है। ये वाला भाग जो है यहां से लेकर यहां तक का ये भाग कहलाता है आंत्रवलन क्षेत्र। ठीक है, और इस आंत्रवलन क्षेत्र के अंदर जो है एक मध्य प्रस्थ स्थित है, मध्य प्रस्थ स्थिति पर एक जो है वलन लटका रहता है, जिसको क्या कहते हैं आंत्रवलन कहते हैं। इस भाग के अंदर आंत्रवलन क्षेत्र के अंदर आहार नाल में मध्य प्रस्थ सतह पर एक वलन जो है वो लटका रहता है, जिसको आंत्रवलन क्षेत्र कहते हैं। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ये आहार नाल है और इसमें इस तरह से एक मध्य में एक वलन लटका रहता है। ठीक है, ये वलन जो है इसको कहते हैं आंत्रवलन, और ये भोजन के अवशोषण के अंदर सहायता करता है। जो आंत्रवलन क्षेत्र है उसमें भोजन के अवशोषण के अंदर ये सतह क्षेत्रफल बढ़ा करके उसमें सहायता करता है आंत्रवलन। ये कहां से मिलेगा, 27वें खंड से लेकर के अंतिम 25 खंडों से पहले तक मिलता है। ठीक है, ये है आंत्रवलन क्षेत्र। उसके बाद इसका तीसरा भाग आ जाएगा सहभाग, इसका
कहते हैं पश्च आंत्रवाल क्षेत्र। पश्च आंत्रवाल क्षेत्र जो है ये अंतिम 25 खंडों के अंदर होता है। अंतिम जो 25 खंड है वो पश्च आंत्रवाल क्षेत्र होते हैं और इस बात के अंदर भी आंत्रवलन अनुपस्थित होता है, आंत्रवलन इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आंत्रवलन इसमें भी नहीं, इस भाग में भी नहीं है और इस भाग में भी आंत्रवलन नहीं है, सिर्फ आंत्रवलन क्षेत्र के अंदर ही आंत्रवलन पाया जाता है। तो ये अंतिम 25 खंड जो होते हैं उसको कहते हैं आंत्रवलन, पश्च आंत्रवलन क्षेत्र कहते हैं। इस भाग को मलाशय भी कहा जाता है, को मलाशय भी कहते हैं। ये मलाशय ये कहलाता है, इसके अंदर मल जो है वो संग्रहित रहता है। ठीक है, और इसके बाद अगला भाग है आंतरिक भाग गुदा। गुदा जो होता है वो अंतिम जो खंड होता है जिसको पाइसिकम कहते हैं, उस पर एक छिद्र के रूप में उपस्थित होता है जो कि मल को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, मल द्वार जिसको कह सकते हैं हम होता है, तो उसके द्वारा जो मल जो है वो बाहर छोटी छोटी गोलियों के रूप में जो है मिट्टी की गोलियों के रूप में बाहर निकलता रहता है, इसको हम वर्म कंपोस्ट कहा कहते हैं। ठीक है, तो इससे वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन इस तरह से। ये इसका पाचन तंत्र है जिसके अंदर 8 भाग हमने देखे हैं, मुख है गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, पेशनी, अमाशय, आंत्र और गुदा। आंत्र के 3 भाग थे, पूर्वांत्रवलन क्षेत्र, आंत्रवलन क्षेत्र और पश्च आंत्रवलन क्षेत्र होता है। ठीक है, ये है केंचुए का पाचन तंत्र आहार। ओके, उसके बाद अपने पास है पाचन की क्रिया विधि, पाचन किस प्रकार से होता है। अभी तो हमने इसकी संरचना देखी है आहार नल की कैसी होती है, अब उसमें पाचन किस प्रकार से होता है तो उसमें देखेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले जो केंचुए है वो मिट्टी के कणों के साथ में कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करता है। ठीक है, मिट्टी के कणों के साथ में जो कार्बनिक पदार्थ है, गोबर वगैरह है या फिर जो इसका कचरा है, पत्ते वगैरह है, सूखे पत्ते हैं, कचरा है, तो उसको जो है खींचता है और मुखुआ से वो ग्रसनी के अंदर आ जाते हैं। मुखुआ से उसको खींचता है तो ग्रसनी के अंदर भोजन आ जाता है। ठीक है, जब भोजन ग्रसनी के अंदर आ जाता है तो ग्रसनी में लार ग्रंथियां उपस्थित होती है, तो ग्रसनी के अंदर लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है और उस लार के अंदर जो है म्यूसिन और प्रोटीएज ये एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। म्यूसिन ये उस भोजन को लसलसा बनाता है, उसको नम बनाता है और प्रोटीएज जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो भोजन लसलसा भी हो जाता है और प्रोटीन का जो है पाचन शुरू हो जाता है। अब ये भोजन जो है ग्रसिका से होते हुए पेशनी के अंदर जाता है। अपने को पता है कि ग्रसिका के अंदर किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता, कोई पाचक रस स्रावित नहीं होते। जब ये भोजन जो है पेशनी के अंदर जाता है, गिजार्ड के अंदर जाता है, तो वहां पर इस भोजन को बारीक कणों के अंदर पीस दिया जाता है, बारीक कणों के अंदर तोड़ दिया जाता है, भोजन बहुत ज्यादा बारीक कर दिया जाता है। अब ये भोजन आगे जाता है अमाशय के अंदर। अमाशय में जाने भोजन के जाने के बाद वहां पर अमाशय की विधि से जो ग्रंथियां होती है कैल्सिफेरस ग्रंथियां, उनसे जो रस प्राप्त होता है और वो ह्यूमिक अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है, तो अमाशय की विधि से जो स्रावित करने वाला रस है वो ह्यूमिक अम्ल को उदासीन कर देगा और अब भोजन जाएगा आंत्र के अंदर। आंत्र में भोजन के पहुंचने के बाद आंत्र की जो वृद्धि होती है वहां से कई प्रकार के पाचक रस स्रावित होते हैं, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, बहुत सारे एंजाइम स्रावित होते हैं जो कि वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो है उसका पाचन कर देते हैं और पचित भोजन जो आगे आंत्र के अंदर अवशोषित होता है।
आंत में पाए जाने वाले जो रसांकुर होते हैं और टिफ्लोसोम जो है आंत वाला रसांकुर और आंत्र वलन की अवशोषण सतह क्षेत्रफल बढ़ाते हैं और अवशोषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो आंत्र के अंदर भोजन का पूरी तरह से अवशोषण हो जाता है, आंत्र में भोजन का अवशोषण भी होता है और भोजन का पाचन भी होता है, दोनों प्रोसेस जो है आंत्र के अंदर होते जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, जब इसमें से सारा भोजन अवशोषित हो गया है और अवशोषित भोजन के बाद जो बच गया है, अपचित पदार्थ बच गया है या मिट्टी के जो कण बच गए हैं, वो सारे जो मलाशय के बाहर निकल जाते हैं और गुदा से जो है बाहर निकल जाते हैं। तो ये गुदा से बाहर जो है मिट्टी की छोटी छोटी गोलियों के रूप में जो है बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, इसको वर्म कंपोस्ट कहा जाता है, केंचुए की खाद कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होती है और पौधों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, तो ये केंचुए की पाचन की प्रक्रिया